नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आपको कुछ याद होगा कि 11 दिसंबर को मैंने एक क्रिसेंथमम की कुछ दो हाँ दो कटिंग्स मैंने लगाई थी बड़ी बड़ी, और मेरे कई भाई बहनों ने उसके रिज़ल्ट के बारे में पूछा। तो अभी मैं आज आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से उसके रिज़ल्ट्स हैं। इतनी बड़ी कटिंग खैर मैंने कभी लगाई नहीं, तो ये रही वो मेरी कटिंग। आपको याद होगा ये, कुछ अगर आपने ये वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको ये याद होगा। ये इस तरह से, ये मेरी जो बोतल, ये रेड कलर की बोतल, और इसमें मैंने ये इतनी बड़ी ये कटिंग जो लगाई थी। तो आप ये देखिए, ये बिल्कुल ग्रीन है और कुछ दिन इसकी पत्तियां मुरझाई हुई थी। जैसे ये मैंने कुछ एक रखी हैं आपको दिखाने के लिए, जैसे ये बेंड हो रही है नीचे की, और नीचे नीचे की वो ये सब जो सूख गई वो कुछ इस तरह से सूख गई नीचे, इसी में मैंने डाल दी। अब ये हरी भरी इस ऐसी है, ये देखा आपने। तो आज मौसम मेरे यहाँ बड़ा ठंडा हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा कि स्क्रीन पे ब्लैक आ रही है कि कुछ दिख रहा है कि नहीं आपको ठीक से। तो ये वो कटिंग, ये देखिए इतनी बड़ी सी कटिंग जो है, ये जो बोतल में मैंने लगाई थी, ये आप देख रहे हैं, ये कटिंग है। तो मैंने ये 11 तारीख को लगाई थी, तो आप हिसाब लगा लीजिए इसको कितने दिन हुए हैं। ये पत्ती है इसकी बड़ी, ये फ्रेश फ्रेश सी अब अच्छी सी होने लगी हैं, और ये कुछ इसमें बर्ड्स भी हैं अच्छे से। तो ये रही मेरी कटिंग, ये हैं इसके रिजल्ट्स। तो जो मेरे भाई बहन इसके प्लांट्स बनाना चाहते हैं, क्रिसेंथिमम के प्लांट्स बनाना चाहते हैं, वो कुछ इस तरह से कटिंग ला के लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। कुछ दिन तो ज़रूर लगेंगे पर उनका ये नया प्लांट ज़रूर तैयार हो जाएगा। तो अभी इसको कुछ और न्यू लीव्स निकलने में कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये है कि ये मेरी कटिंग जो है अब चल पड़ी है। ये फूल भी, ये देखिए, ये फ्रेश है, ठीक है। ज़्यादा अच्छा तो बड़ा बना नहीं, खिला नहीं, वो इसलिए क्योंकि इसमें रूट्स नहीं थी, तो हमने ये इसको नया लगाया था ये, पर ये फिर भी ठीक है ये। तो ये रही मेरी कटिंग्स की बात, जो मैंने 11 दिसंबर को लगाई थी, ये बहुत अच्छे से चल पड़ी है, दोनों कटिंग्स बड़ी बड़ी चल पड़ी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको दिख रहा होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक दिख रही है। ये ऐसे कुछ इस तरह से अंदाजे से ही मैं दिखा रही हूँ बोतल, और ये बड़ी सी कटिंग। तो इस टाइम जो क्रिसेंथिमम का है वो बाहर आई हुई है, बहुत रंग के फूल खिल रहे हैं, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस तरह के प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अभी आप लगा दीजिए, अगर आप इतनी बड़ी कटिंग लगाना चाहें तो छोटी छोटी कटिंग लगा दीजिए। छोटी तो मैंने कई बार लगाई, पर इतनी बड़ी मैंने नहीं लगाई, ये मैंने फर्स्ट टाइम लगाई इतनी बड़ी कटिंग। और ये मेरी अब चल पड़ी है, ये ग्रीन है कटिंग मेरी। तो मैंने आज कल से इसको, मैंने पूरा दिन कल इसको मैंने धूप में रखा था, इतने दिन मैंने इसको छाया में रखे रखा, और कल मैंने इसको पूरा दिन धूप में रखा था, और आज मैंने सोचा कि मैं आपको इसका वीडियो बना के दिखाती हूँ। ये रही मेरी क्रेसेंथमम की कटिंग। एक बात मैं आपसे और करना चाहती हूँ, अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हो तो आप ये अगर छोटे छोटे लगाते हो तो वो उनकी जो रूट्स हैं जल्दी बनेंगी, और सक्सेस के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, जल्दी रूट्स बनती हैं और प्लांट भी जल्दी तैयार होता है। बट जो मैंने ये लगाई थी, ये खूब सारे इस पे बर्ड्स भी आई हुई थी और फ्लावर्स इस पे खिल भी रहे थे, तो फिर जो लंबी वाली कटिंग है तो इनमें रूट्स बनने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, पर फाइनली ये बन गई हैं। ये आपके सामने है रिजल्ट, जो भी है ये आपके सामने है। तो अब इसको और थोड़ा खिलने में, प्लांट को पत्तियां और ज़रा फ्रेश होने में, न्यू न्यू लीव्स निकलने में कुछ दिन और इसको लग सकते हैं।
तो जैसे फिर ये प्लांट बड़ा होगा तो मैं फिर आपको दोबारा इसको दिखाऊंगी। एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो जब शुरू में मेरे घर में जो शुरू में सॉरी मैं गलत बोल गई, लास्ट टू लास्ट ईयर ये जो फूल हैं ये मेरे घर में मेरे को कटिंग कहीं से मिली थी। लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने ये वाले जो एक्चुअल में ये फ्लावर हैं ये और एक इस कलर के ये छोटे येलो इस तरह के ये फ्लावर्स मेरे घर में लास्ट टू लास्ट ईयर ये मुझे कटिंग किसी ने दी थी। तो मैंने ये अलग अलग भी लगाए थे, खूब खिले, और ये भी जो इस कलर के हैं ये भी खूब खिले खूब अच्छे से। तो मैंने एक गमले में, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ, एक गमले में मैंने इसमें येलो और ये दोनों तरह की कटिंग मैंने लगा दी थी। ये जो कटिंग है ये एक इसी गमले में जो दिखा रही हूँ ये इसकी कटिंग और इसकी येलो की कटिंग इस गमले में मैंने इकट्ठी लगा दी थी। बड़ी मुश्किल से गर्मियों में मैंने, मेरे यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, इनको बचाया। पर अब मैं इस बारी देखा, मैंने जो इस गमले में इसका कलर ही बिल्कुल डिफरेंट आ गया है, पर्पल कलर के ये फूल आ गए हैं। तो ये फूल तो मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं था। और जो येलो छोटे छोटे ये स्मॉल साइज़ के जो एक्चुअल में फ्लावर्स थे और वो उनका साइज़ देखो अपने आप ही ये बढ़ के इतना बड़ा हो गया है, ये ऐसे हो गया है, इतना बड़ा हो गया है साइज़। तो आप भी मेरे भाई बहन जिनको जिनके घर में दो दो या तीन तीन कलर के ये प्लांट्स हैं तो आप उनको इस तरह से भी लगा सकते हैं और ये उनके कलर ये चेंज भी हो सकते हैं। ये मेरा तो मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, तो इतना सुंदर कलर इसका आया। अब तो फूल काफ़ी दिन हो गए हैं खिलते हुए, तो ये ऐसे कलर इसका पर्पल अपने आप से ही बन गया और ये बड़े साइज़ का फूल आ गया। बड़े साइज़ का तो मेरे पास था ही नहीं, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो होप करती हूँ आप भी ऐसे दो तीन कलर लगा सकते हैं, और आपके घर में भी अगर ज़्यादा कलर चाहते हैं तो ये अपने आप ही ये चेंज कर सकते हैं। और ये मैं एक बारी फिर अपना बोतल वाला प्लांट दिखा देती हूँ जो मैंने ये बड़ी सी कटिंग लगाई थी। ये देखिए बड़ी सी कटिंग जो लगाई थी, अगर इसने सूखना होता तो अभी तक जैसे ये नीचे की जो इसकी लीव्स अपने आप ये सूख के झड़ गई तो मैंने बोतल में ही डाल दी तो ये पूरा सूख चुका होता। और अब ये ग्रीन है, ये पत्ती है इसकी ऐसी ग्रीन है, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए कितनी फ्रेश और ग्रीन है। तो कुछ दिन और लगेंगे इनको तो ये फिर न्यू लीव्स आना भी इसमें स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। तो जो भी मेरे भाई बहन कटिंग लगाना चाहते हैं तो वो इस तरह से कटिंग लगा सकते हैं, अगर बड़ी नहीं लगाना चाहते तो फिर थोड़ी छोटी भी लगा सकते हैं। तो होप करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो भाई बहन इस प्लांट के रिज़ल्ट देखना चाहते थे तो मैंने आज दिखा दिए हैं। और कुछ दिनों के बाद जब ये इसकी ग्रोथ और अच्छे से होती है तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। होप करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी। नमस्ते जी, धन्यवाद।